राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी की सोच को जिला ब्लॉक और बूथ स्तर पर ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हिमाचल में यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी सहप्रभारी संजय दत्त को सौंपी गई है। हिमाचल कांग्रेस के सहप्रभारी संजय दत्त ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिलों में जाकर बैठक करना भी शुरू कर दी है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि राहुल गांधी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के जरिए देश में नफरत छोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए जनता तक राहुल गांधी की सोच पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक में तैयारी कर ली गई है। पीएलटीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।